इनकम टैक्स चौराहा के हम बगल में है, बगल में आरजेडी का भी कार्यालय है, जेडीयू का भी कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय है। और सबसे बड़ी चीज कि दाएं हाथ उठाइए तो विधायक ही विधायक, बाएं हाथ उठाइए तो मंत्री ही मंत्री, और पीछे घूम जाइए तो एमएलसी ही एमएलसी, और सामने देखिएगा तो सांसद ही सांसद, वैसे जगह पर हैं। और एक आम आदमी परिवार जो टैक्स देता है समय समय पर, साल में 5 बार वोट भी देता है सरकार को और सरकार के अन्य शाखाओं को, बावजूद उसके जब आम आदमी दिन भर काम करता है, टैक्स देता है, 5 बजे जब वह निकलता है कार्यालय से, किसी ऑफिस से काम करके बाइक पे चढ़ाता है और अचानक कोई 4 चक्का यहाँ से पास करता है साइड लेने में, इसी गड्ढे में अगर गिर जाता है और यहाँ से सर में चोट लगता है और यहाँ से रेफर होता है पारस हॉस्पिटल, जो मुंह बा के खड़ा रहता है कि आवा बाकी ओकरा बाद सल्टर लाम तैयार बनी, पारस हॉस्पिटल या जो भी बड़का हॉस्पिटल है। एक आम आदमी जो सरकार को वोट भी दिया, टैक्स भी दिया, सारा हिसाब दिया, हर पार्टी को वोट दिया, रैली में भी गया, झंडा भी उठाया, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा भी लगाया और वही गड्ढा में गिर गया। क्यों? यहाँ सारे लोग, यहाँ सभी विधायकों के नज़र में, ये जो बगल में थोड़ा सा जो रास्ता दिखाइएगा, इसके बगल में लगभग हमको लग रहा है, इधर दिखाइए, हम इस रास्ते से कम 30 से 35 को 40 को विधायक लोग रोज आता है जाता है, लोग रोज आता है जाता है, लेकिन ये गड्ढा नहीं दिखता है, ये गड्ढा नहीं दिखता है। बगल में नीतीश कुमार जी भी हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं, तमाम विपक्षी दल के भी नेता हैं, किसी को नहीं दिखता है। और ये गड्ढा, ये पटना में, पूरा पटना में केवल एक गड्ढा नहीं है, ऐसा लगभग 1000 गड्ढा है जो जानलेवा गड्ढा है। और ऐसा नहीं है कि हम ही एगो आके पहली बार कुछ कह रहे हैं, हजारों इस पर चैनल भी बने, न्यूज बना भी दिया है, लोग इसमें गिरते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं और लाख इलाज के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे गड्ढों की मरम्मती नहीं होती है, किसी कीमत पर नहीं होती है। अच्छे से दिखा दीजिए कि अगर संजोगवश अगर किसी हाल में किसी कोई गिरा इसमें, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा, अगर वो गिरा सीधे ब्रेन हैमरेज होगा, सीधे ब्रेन हैमरेज, कोई उपाय नहीं होगा उसका। देख लीजिए गड्ढा, और वहाँ से देखिए वो अंदर तक धस चुका है, कब वो गिरेगा थोड़ा बैठ के दिखा दीजिए, अंदर अंदर तक धस गया है, अंदर दिखा दीजिए, अंदर 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 उधर पूरा धस गया, कब गिरेगा ऊपर उठाइए, कब गिरेगा कोई ठीक नहीं है। आसपास में नया विधायक फ्लैट बना है, नया विधायक लोग, नया नया चुनाव जीत के आ गया है लोग, यही में जाता लोग, हम तो संजोग मनाते हैं कि कोनो विधायक मंत्री सांसद का स्कॉर्पियो का चकवा का है ना इसमें गिरता है, या फॉर्चूनर का, एक बार उस सबका गाड़ी जहिया को विधायक मंत्री या सांसद का गाड़ी इसमें गिर गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 हफ्ता के अंदर में इसका मरम्मती और सराती बन जाएगा। क्या भाई, एक अगर मंत्री चाहे विधायक अगर में गिर जाए तो बन जाए कि ना बन जाए, आई कितना दिन से टूटल बा चाचा, रहुआ रहुआ दुकान के सामने बा, रहुआ तो जाना था, हम कितना दिन से टूटल बा बताइए। हालांकि आज से 15 दिन पहले आ रही तो वहीं धसल रहे, होलंग हम गाड़ी लगौले रही, ओकरा पहले हूँ 1 महीना पहले आ रहे तो यहीं धसल रहे, वही गाड़ी लगौले रही, अभी आल रही तो हेने गाड़ी लगौले बनी, अभी वो धसल बैठे। मान लेता नहीं हमें तो रहुआ कहनी है कि विधायक जी लोग के गाड़ी तो मैं बगल के चलिए जाला, तो गिरी तो आम आदमी नू बताइए, अब बताइए काहे गाड़े काहे लगाया गया फाटा वहाँ, आपके अंदर मानवता इंसानियत है इसलिए आप फाटा लगाए हैं, आपके अंदर उतना ताकत नहीं है, उतना कैपेसिटी सरकार ने नहीं दिया है ताकि आप उसको बनवा सके, आपके अंडर में वो पावर नहीं है कि आप बनवा सके, आपके अंडर में पावर है इंसानियत का, मानवता का, तो आप वो लकड़ी लगा के झंडाओं में वो कपड़ा बांध दिए हैं ताकि कम से कम किसी का गरीब आदमी का जान न जाए, क्या 4 चक्का वाला तो बगल में शायद निकल जाइए, सन गिरी तो मोटरसाइकिल वाला पैदल चले वाला, तो वो लोग ला बाटे तो वो तो सबसे रहुआ हाथ में जे बाहू काम बहुत बढ़िया कले बनी, लेकिन सरकार जितना बेशर्म हो गई है, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, आम आदमी की चिंता किसी को नहीं होती है, चिंता होती है तो सिर्फ वोट की। हम आम आदमी, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, दबा कुचला, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक क्या है, प्याज है प्याज और लहसुन, कुछ नहीं है नेता के नज़र में। हम लोग अब पियो फेंको गिलास, भोज में जाते हैं तो पियो फेंको गिलास तबले हाथ में लोगों के रहता है जो में पानी रहता है, पानी खत्म होते झूला कैसा फेंकता है जैसा कि गिलास से कोई नाता ही ना रहा हो। तो सीधी सी बात है, चुनाव है तो जनता भगवान है, चुनाव नहीं है तो जनता पैरों के ठोकरों में है, कोई वैल्यू नहीं है।
तो कम से कम सुधर जाइए और अभी भी समय है, जाति और धर्म के नाम पर वोट देना बंद करिए, अच्छे लोगों को चुनने का काम करिए जो आपकी समस्याओं का अपना समझे और समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करे और उस पर लगे, क्योंकि उसको उसी चीज के लिए चुना गया है, पटना में आके एसी कमरा में बैठने के लिए नहीं चुना गया है, अपना बेटा के साथ जाके दिल्ली एसी कमरा में बैठने के लिए नहीं चुना गया है, और जनता के पैसा से बेटा को यूक्रेन रसिया और फ्रांस भेजने के लिए डॉक्टरी पढ़ाने के लिए नहीं चुना गया है, चुना गया है जनता का और गरीब का आवाज उठाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए और बिहारियों को बिहार में रोजगार दिलवाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं है, ना अस्पताल में दवाई है, ना स्कूल में पढ़ाई है और ना बिहार में कमाई है, तीनों खत्म। तो तीनों का सुधारना है तो बड़का बड़का भाषण देने वाला फॉर्चूनर वाला लमका लमका 10 गो गाड़ी से जो चलता है ओकरा पर विश्वास करना बंद करिए, एक आम आदमी, एक नया, एक नौजवान जो आपके समाज में अच्छा काम करता है पहले उसको सुनिए और उसको चुनने का काम करिए, वो कुछ नहीं करेगा तो बहुत कुछ करने का काम करेगा। जय हिंद, जय बिहार।